अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आज हम आपके लेके आए हैं एक और पबजी का गेम प्ले। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब ख़राब नहीं है, बस थोड़ी सी ऐसी है। तो जब भी आपको शुरू में एनर्जी नहीं मिली जो अक्सर होती थी, आज वो एनर्जी नहीं है थोड़ी सी, तो काम चला वैसी। और हम जा रहे थे जॉर्जियापुल। और प्लीज़ डू नॉट लाइक माई वीडियो, दिस वीडियो, क्योंकि जो आगे एक सीन आएगा ना, अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो मैं बता रहा हूँ, आप लाइक करोगे, आप कमेंट भी करोगे, अक्सर नहीं करते हैं पर कमेंट करोगे आप, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि सर वो लाइक, वो जो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए। वो ना सिंघम वाला सीन हो गया था, सबको याद होगा कि सिंघम जब मूवी आई थी तो उसकी जो एक सीन था, वो बंदे को गाड़ी से निकाल के ज़मीन में मारता है, फिर गाड़ी भी नीचे गिरती है, तो बड़ा प्यारा सा अच्छा सीन, एडवेंचर सीन हो जाता है वहाँ पे। ऐसा कुछ आज सीन हुआ है, थोड़ा बहुत ऐसा ही हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना। और बहुत बस बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और अपने दोस्तों में बताओ यार, सब्सक्राइब कराओ, क्या मसला है ये 122 का टक के अटक गए आके, ऐसे नहीं होता है। हम उतरे जॉर्ज पुल, बंदे आए थे, मुझे डेजर्ट ईगल मिली, सामने इस कार रखी थी पर मुझे अभी नज़र नहीं, एडिट करते हुए सब नज़र आता मेरे को। और डेजर्ट ईगल का मैंने एमओ भी नहीं उठाया, सामने एक बंदा उतरा है और मैंने जैसे ही एमओ उठाया तो साउंड आ रहा है कि बंदा एक आ रहा है। मैंने फ़ौरन से जंप मार के स्कारा लेने गया, वो भी यहाँ पे आ गया। लेकिन डेजर्ट ईगल और आप नो वेस्ट नो हेलमेट, तो ये बनता है, ये होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, आप जोन, मेरे दो जोन गुजर चुके हैं और अभी तक मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि एक बंदे ने इतना दिमाग खाया मेरा, इतना खाया है। वो बंदा कभी से मरा नहीं है, यही बॉट है जीरा। वो बंदा भाई मैं करूँगा शैतान का कोई बाप था, यकीन करो। मैंने फिर गाड़ी ली, ये भी गाड़ी उसी की, मुझे मारने आया कंटेनर्स को, लेकिन मैं वहाँ से निकल गया। फिर यहाँ पे एक गाड़ी आई, उसने मुझे स्प्रे दिया और मैं यहाँ के टीपी पे ले रहा था क्योंकि मुझे पता था बंदा तो आएगा। फिर साउंड आया वहाँ से और ये जंप करते हुए आ रहा था, मुझे ये टीम अप करेगा। देखो धोखा, देखो धोखे, कैसे धोखे हैं, जंप कर करके आ रहा है, बंदे को कन्फ्यूज़ कर रहा है। फ्लेयर मैंने वहीं मंगवा ली थी तो ऑम है मेरे पास, और थर्ड लेवल हेलमेट वेस्ट डन सर, सब चीज़ें बेहतरीन सर। प्लीज़ अभी लाइक नहीं करना, नहीं करना लाइक, मैं नहीं बोलूँगा अभी लाइक, तुम खुद करोगे, समझ सबर करो तुम थोड़ा। अपन ने हमने की फिर हिल विल बहुत सारी, और मुझे फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे जाके, प्लीज़ प्लीज प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। पहले मैंने UAZ ली क्योंकि मुझे लगा कि इसमें पेट्रोल होगा, लेकिन इसमें पेट्रोल नहीं था। फिर जब मैं यहाँ से जा रहा था तो एक गाड़ी मेरी पीछे आई और ये रुक गई, मैं भी रुक गया। ये बंदा बाहर निकला, मैं गोली चला रहा हूँ, वो बंदा आगे जा जा रहा है, मैंने उसको मार दिया। इट्स सो ईजी, ये तो मतलब कोई क्या है। फिर मैंने गाड़ी लेके निकला और अब मैं चुपूँ, मैं चुपूँ, खुद देखो क्या हुआ है, मैं चुपूँ, लाइक कर देना इसके बाद, मैं चुपूँ, मैं खामोश, देखो क्या हुआ, मैं चुपूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुप। सर ये इसके लिए लाइक कर दो यार, क्या सीन बन गया भाई। गाड़ी भी सीधी खड़ी हुई, गाड़ी से तीन कलाबाजी हवा में खाई, बंदा भी मर गया सामने से, मनु उसका स्प्रे दे रहा है उसकी, चलो खैर है, माफ़ करा उसको जावर। अब यहाँ बड़ा खतरनाक सीन हो रहा है, सामने से एक बंदा स्प्रे दे रहा है, साइड से गाड़ी गुजर रही है, सामने ड्रॉप है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा था, मतलब मैं खुद को मारूँ, एक बंदा ऑम चला रहा है। और जब मैं जॉर्जो से निकला था ना, 10 बंदे थे मेरे, 3 किल से 6 बंदे बचे हैं और अब मेरे 3 किल और हो चुके हैं। अब देखना यहाँ पे सीन हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पे ले रहा था, साउंड एक बंदे का आया और वो बीच में आके रुक गया। बॉट नहीं था ये, तुर्की बंदा था ये, तुर्की, मैंने अभी तक नहीं देखा कि तुर्की और बॉट हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते एक समझने वाली बात, 3 बंदे बचे हैं, ये बंदा मेरे सामने था और मैं बंदे को नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जब बंदा मेरे सामने तो मैं बस उस बंदे के लोकेशन लूंगा जो भी उसको मारेगा। वो भी नहीं मारा, मैंने एक शॉट चला लिया, क्या पता मर जाए, पर वो भी नहीं मारा। अभी ये बन गया सांप, और सांप बना है छोटा वाला, और जितना सांप छोटा उतना उतना जहरीला होता है, याद रखना है। ये जोन आ चुका है, जोन मेरे से आगे चले गया, अब जोन में जाना है। तो मैं अक्सर यही करता हूँ कि कंप्लीट रोटेट दे देता हूँ, मतलब बिल्कुल जोन की एज एज पे से जा जा के ना, लेट के भाग के कुछ भी करके जाता हूँ। ये भी प्लेयर आई हुई थी, क्या मतलब सबके पास आम है, कुछ भी नहीं चाहिए अभी, मैं जस्ट सिंपल जा रहा हूँ। साउंड वाउंड नहीं आया, एकदम से साउंड आया, बंदा सामने आया, लेकिन उसने मुझे मार दिया, मेरे भी शॉर्ट्स को कनेक्ट हुए, कोई मसला नहीं है। अब
एक्सपेक्टेड में देखना क्या होगा, एक्सपेक्टेड जो भी है। ठीक है, हीलिंग कर रहा है बंदा। सर ब्राउन्स 5 का बंदा कैसे, मतलब मैं 8 महीने से पबजी खेल रहा हूँ, या तो ये कोई बहुत प्रो बंदा और नई आईडी से इसने मतलब खेलना शुरू कर दिया है, या फिर पता नहीं क्या सीन है, लेकिन 0 मैचेस 0 KD और कुछ समझ में नहीं आ रहा सही मकसद क्या। पीक लेके मार दिया इसने इतनी आराम से, और सबसे बड़े बात एम के चला रहा है भाई पीछे रख के, एम के चला रहा है ये पीछे रख के, और क्या मकसद, ये कैसा गेम है ये। और बंदे को स्ट्रेटजीज का भी पता है कि कहाँ जाके लेटना है, किस तरह जोन में जाना है, या तो ये कोई प्रो बंदा है या हैकर, तो मैं नहीं कहूँगा जो कि 3 किल्स हैं इसके, या तो वाकई ये शायद ये हैक कर रहा हो, इसको मेरी लोकेशन पहले से पता हो, क्योंकि देखो अभी भी ये रोटेट करके सिंपल आया है और से बंदे को स्पॉट कर लिया, इसको दिख गया है बंदा, ये लेट गया और जस्ट देखना ये मारेगा। सब्र करो, सब्र रखा करो तुम, तो लाइक कर दो, देखो उस सीन के लिए प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। और मार दिया, मतलब ये क्या है। बल चलो आज के लिए इतना था, उम्मीद है आपसे मिलेंगे अब कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब करवा दो, जो एक दो वीडियो उसके बाद जो वीडियो आएगी ना सर, 1v10 था, बहुत कमाल का था वो गेम प्ले, उसके लिए प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना चैनल को, और दोस्तों से करवाओ यार, 122 पे अटक गए क्या मसला है। अल्लाह हाफिज़।